ఈ నెల 29న జరిగే చర్చలతో సమస్యకు పరిష్కారం లభిస్తుందని కేంద్ర వ్యవసాయ శాఖ సహాయ మంత్రి కైలాష్ చౌదరి ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు. అయితే ఆ చర్చల సమస్యను రాజకీయం చేస్తున్న వారి కోణంలో కాకుండా రైతుల పర్స్పెక్టివ్ లో జరగాలని చెప్పారు. किसी भी समस्या का हल है वो बातचीत से निकलता है और निश्चित रूप से मुझे विश्वास है कि 29 तारीख को जो वार्ता होगी उसमें किसान की नजर से अगर वार्ता होगी तो निश्चित रूप से हल निकलेगा क्योंकि राजनीतिक लोग हैं वो इसमें राजनीतिक डालना चाह रहे हैं किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर निशाना साधना चाह रहे हैं और उसके अंदर देखा होगा वामपंथी वृत्ति के लोग हैं जो भी इसके अंदर खलल डालना चाह रहे हैं कि किसानों की समस्या का हल नहीं निकले कांग्रेस भी इसी के अंदर लगी हुई है तो कुल मिलाकर मेरा ये कहना है कि किसान की नजर से अगर देखेंगे आज देश के अंदर किसान समर्थन कर रहे हैं तो जो इस बिल के अंदर अच्छी चीजें हैं जिसके अंदर कह सकते हैं कि किसानों को आजादी देने वाला बिल है किसान अपनी मनचाही स्थान पर रेट के ऊपर बेच सकेगा तो ये सारी चीजें तो किसान स्वयं मांग कर रहा था तो उसकी मांगों को लेकर अगर बातचीत होगी तो मैं सोचता हूँ कि निश्चित रूप से एक अच्छा परिणाम